ठीक है, तो सबसे पहले मैं HPTC के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। चलो, आपने लेक्चर देख लिए हैं? हाँ, 22, 23 और 24। हाँ, ओके ओके, देख लिया आपने? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चलिए ठीक है। तो HPDC के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। HPDC मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, बेसिकली हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग मेटल के कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, राइट? तो मेटल के कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे मतलब जिसमें आएगा जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। जैसे एग्जांपल के लिए HPDC जो मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग होती है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम उसको? टेल मी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, HPDC जो मेथड है ना, वो इंजेक्शन मोल्डिंग की तरह ही है। इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या, यहाँ पर मटेरियल का अंतर आ जाता है। मटेरियल मतलब कि हम लोग वहां पर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, पीपी मटेरियल, पीसी मटेरियल या फिर किसी भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन HPDC में हम लोग मटेरियल क्या करते हैं, मेटल को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेटल मतलब जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब वो भी किसी कारण से करते हैं कि मतलब अगर मैंने जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं MS मटेरियल का टेम्परेचर पूछूं आपसे, मेल्टिंग टेम्परेचर, तो व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर द MS मटेरियल, माइल्ड स्टील? अबाउ 600 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर ही रहेगा मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट? ठीक है, लेकिन अगर मैं जिंक और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 350 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, राइट? दैट्स व्हाई। तो इसका जो कंपोनेंट है वो बनाना आसान है। तो एमएस के लिए जब ये चीज है, तो इसका जो डाई मटेरियल होगा, उसका जो मेल्टिंग मतलब डाई मटेरियल, जैसे एग्जांपल के लिए इसका जो डाई होता है वो हार्ड होता है, मतलब उसका जो कोर और कैविटी जो बना होता है वो स्टील अलॉय से बना होता है, जो कि H11 और H13 मटेरियल होता है। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1200 से लेकर 1500 के बीच में होता है, ठीक है? तो अगर मैं अगर हाँ ये अगर मेरा डाई मटेरियल रहेगा, इसका मतलब कोर और कैविटी अगर मेरा ये रहेगा, तो वी कैन क्रिएट जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंपोनेंट इनटू दिस डाई। क्लियर है? ठीक है, मैंने ईडीएम मशीनिंग के बारे में बात करी थी, ईडीएम मशीनिंग। अब ईडीएम मशीनिंग में, ईडीएम मशीनिंग का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करते हैं फॉर फॉर क्रिएटिंग कोर और कैविटी ऑन H11 और H13 मटेरियल। अगर ये वाला मटेरियल है तो इसके ऊपर अगर मुझे कोर और कैविटी की प्रोफाइल को काटना है ना, तो यहाँ पर मुझे ईडीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टॉक छोड़ने के बाद, क्योंकि ये क्या होता है, H11 और H13 मटेरियल जो होता है डबल हार्डेंड मटेरियल है, मतलब इसको दो बार हार्ड करते हैं। पहली बार जब वो हार्ड करके आएगा तो वो सॉफ्ट मटेरियल रहेगा थोड़ा सा, तो हम लोग उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, VMC कर सकते हैं, VMC कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर मान के चलो VMC करके प्रोफाइल काट ली, और मैंने क्या करा, इसमें कुछ स्टॉक छोड़ दिया, मैंने इसके ऊपर 0.2 का स्टॉक छोड़ दिया, है ना? अब 0.2 का मैंने ऊपर स्टॉक छोड़ा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ईडीएम का इस्तेमाल करूंगा, बाय द ईडीएम, और ये 0.2 का जो स्टॉक है उसको मैं रिमूव करूंगा बाय द ईडीएम प्रोसेस, क्योंकि इसके ऊपर अब VMC कटर नहीं चलेगा, क्रिटिकल ज्योमेट्री के कारण भी नहीं, ये हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, दैट्स व्हाई। तो हार्डनेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, दैट्स व्हाई हमको फिर वहां पर ईडीएम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखो, HPDC आर जनरली मेड ऑफ H11 और H13 मटेरियल, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग वहां पर क्या बोल रहे हो? नहीं, नहीं, ईडीएम का जो टूल होता है वो तो कॉपर का होता है, CU, उसकी कोई हार्डनेस ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पर मशीनिंग होती है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। हाँ, वहां पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट ही नहीं होता है,
बिकॉज ऑफ द डिस्चार्जिंग ऑफ द करंट वहां पर क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, वहां पर मेटल टू मेटल कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, एक मेटल से दूसरे मेटल को कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे ही वो कॉन्टेक्ट होता है ना, तो स्पार्क गैप बीच में आता है और करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेशन के कारण वो मटेरियल को रिमूव करता है। ऐसा होता है। गैप कंडीशन कितना रखेगा, वो जितना स्पार्क गैप रहेगा। जैसे स्पार्क गैप का मैंने रेंज बताया था आपको, स्पार्क गैप का 50 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन। हाँ, तो वो एक स्टेप जो रहेगा उसका मान के चलो 50 माइक्रोन का है मान लो, तो दिस इज द स्पार्क गैप। ठीक है, अब वो बेसिकली फिर डिपेंड करता है कि जेड पोजीशन पर हम लोग कैसे लेके जाते हैं। एक रफ इलेक्ट्रोड होता है, एक फिनिश इलेक्ट्रोड होता है। तो रफ इलेक्ट्रोड और फिनिश इलेक्ट्रोड भी किसी कारण से होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मिनिमम जो स्टॉक छोड़ सकते हैं 0.15 का छोड़ सकते हैं। तो 0.15 का अगर हम स्टॉक छोड़ सकते हैं, है ना, 150 माइक्रोन का, इससे ज़्यादा अगर छोड़ेंगे, अगर छोड़ सकते हैं तो फिर ईडीएम की जरूरत ही क्या पड़ेगी, है ना। तो भाई, तो 0.15 का अगर स्टॉक अगर हम लोग छोड़ पा रहे हैं, तो फिर हम लोग दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द स्पार्क गैप की 75 माइक्रोन को एक बार काटेगा रफिंग, और फिर उसके बाद 75 माइक्रोन को दूसरी बार काटेगा फिनिशिंग, फिनिश इलेक्ट्रोड। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर कोर और कैविटी हम लोग H11 और H13 मटेरियल के बनाते हैं, और ये हार्ड मटेरियल होता है, और हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, EDM मशीनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये HPDC के बारे में। ठीक है, अब देखो HPDC का जब कंपोनेंट हमारे पास निकल के आता है ना, जो फाइनल कंपोनेंट निकल के आता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ये फाइनल पार्ट, ठीक है, फाइनल पार्ट में क्या रहता है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्प्रू एरिया, मतलब ये हमारा मटेरियल का एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मेन रनर, मेन रनर, और ये जो हुआ ये गेट रनर हुआ, जिससे गेट अटैच रहेगा। सी, दिस इज द गेट 1, 2 एंड 3। हमारा जो मेन पार्ट हुआ वो कौन सा है भाई, ये वाला मेन पार्ट है, जो मार्क कर रहा हूं, ये वाला मेन पार्ट है, क्लियर। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये भी वेस्ट मटेरियल है, विच इज नथिंग बट विच इज द ओवरफ्लो, जो क्या कहलाता है, ओवरफ्लो कहलाता है, ओवरफ्लो, फ्लैशेस नहीं है, ओवरफ्लो। अब देखो बेसिकली क्या होता है, अब यहां पर अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ओवरफ्लो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में तो ओवरफ्लो का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, मतलब एक्स्ट्रा हम लोगों ने कुछ पोर्शन दिया हुआ है उसके अंदर मटेरियल भरा रहा है, राइट। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं इसकी डाई की बात करूं, तो डाई इसकी ऐसी रहती है, देखना, फॉर एग्जांपल दिस इज द डाई, क्लियर है, है ना। मैंने बोला कि भाई इसका जो ये है इसका कैविटी, है ना, ये इसका कैविटी है। अब मैंने इसके अंदर क्या दिया है, इस तरह से एक ओवरफ्लो दिया है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल भरेगा इसके ऊपर, क्लियर है। और ये रहा इसका गेट पॉइंट, यहां से मटेरियल इसके अंदर जाएगा, क्लियर है, यहां से मटेरियल गया इसके अंदर, इस तरह से भरा इसके अंदर यहां से, और ये ओवरफ्लो पूरा कंप्लीट भर गया, ऐसा हुआ। तो दिस इज द नथिंग बट दिस इज द HPDC, ये HPDC। लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऐसा होता है क्या, कभी ऐसा ओवरफ्लो देते हैं क्या हम लोग, कभी भी नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते, अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्लास्टिक को अगर मैं मेल्ट करूं, तो प्लास्टिक का मटेरियल कैसा होता है मेल्टिंग कंडीशन में, टेल मी, उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। हाँ, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और मतलब वो गाढ़ा होता है मटेरियल, और वो क्या होता है, चिपक जाता है मेटल के साथ बहुत जल्दी, है ना। ठीक है, मतलब गाढ़ा होता है मटेरियल, मेन तो चीज ये है। अगर मैं किसी मेटल को अगर मैं करूंगा मेल्ट करूंगा, तो वो कैसा रहेगा, लाइक वाटर मेल्टिंग कंडीशन कैसा रहेगा, पानी की तरह रहता है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, हाँ, तो यहां पर क्या होता है कि भाई जब मैं इसको मेटल को जब इसके अंदर डालूंगा भरूंगा, तो ये क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज रेट, और यहां पर इंजेक्शन जो भी आसपास से थोड़ी सी थोड़ी भी गैप है, वो क्या करेगा, इसके अंदर मेटल के अंदर कमी ला देगा। यहां पर अगर मैं इसकी कैविटी उतनी ही बनाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम आई। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ एरिया छोड़ता हूं, उस एरिया में भी मटेरियल भरा जाता है। अब अगर मटेरियल इसके अंदर से अगर खाली होगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या मुझे, मेरा मटेरियल तो फुल भरा रहा है यहां पर, राइट।
तो मेरा दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओवरफ्लो। इस ओवरफ्लो को हम लोग इसलिए देते हैं ताकि मेटल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भरा जाए, लेकिन ये जो एरिया है ये वेस्टेड एरिया है, वेस्ट वाला एरिया है, इसको बाद में हम लोग अलग कर देंगे, अलग करके हमारा जो मटेरियल है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ओवरफ्लो यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये क्या करता है, श्रिंकेज रेट के कारण भी और उसके कारण भी क्या करेगा, ये यहाँ पर मेटल में कमी ला देता, मेटल में कमी ला देता, मतलब कुछ मेटल रह जाता वहां पर, भराता नहीं, शॉर्ट शॉर्ट प्रॉब्लम आ जाती, ठीक है। दैट्स व्हाई इस कारण से हम लोग इसके अंदर हाँ बिल्कुल 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 एयर ट्रैप्ड वगैरह और सब चीजें आएंगी, लेकिन मेटल जो होता है मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और अगर इसके अंदर आएगा भी तो अगर जैसे वाइट्स वगैरह आते हैं या फिर चीज आएगी तो वो उसमें जनरेट नहीं होगी इतनी। लेकिन इसके अंदर जैसे अब आप बोलोगे फ्लैशेस, फ्लैश मार्क आएंगे कि नहीं, नहीं आएंगे फ्लैश मार्क, आएंगे भी तो दिखेंगे नहीं आपको उस तरह से, राइट। चलिए ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, बाकी जो डिजाइनिंग प्रोसेस होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब यहां पर जरा देखते हैं, यहां पर है एचपीडीसी डाई मशीन, है ना। तो यहां पर एक मशीन के बारे में बता रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्लेटन। ये क्या है प्लेटन, ये है फिक्स्ड हाफ और ये है मूविंग हाफ, ये है मूविंग हाफ। मतलब अगर मैं इसकी कोर और ग्रेविटी की मतलब मशीन की बात करूं तो दिस इज द टाई बार डिस्टेंस, देखो दिस इज द टाई बार, दिस इज द टाई बार, क्लियर है। दिस इज द मोल्ड, ये मोल्ड है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ अंतर क्या नजर आ रहा है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करता हूं तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो हमारा जो इंजेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है ना, मोल्ड के सेंटर में होता है इंजेक्शन पॉइंट, लेकिन इसमें सेंटर में नहीं है। इसमें जो ये स्लीव वाला पोर्शन है ना, इसमें मेटल ये क्या करेगा, मेटल इसके अंदर डालेगा इस तरह से लाइक बाय द लेडल, और इसके अंदर मेटल डालने के बाद इसको क्या करेगा, ये जो प्लंजर या पिस्टन है इसको पुश करने का काम करेगा, इसको पुश करेगा एंड फील द मटेरियल, वो मेटल को फील करेगा, बिल्कुल। ये प्लंजर के कारण, ये जो हमारा जो पिस्टन है ना इसके कारण ही वो ऊपर जाता है, क्लियर है। हाँ बेसिकली ये जैसे क्या है, हाँ ये इसका शॉर्ट वेट निकालेंगे ना तो उस मशीन का भी शॉर्ट वेट अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लंजर होता है इसका जो स्लीव एरिया होता है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया जैसे एग्जांपल के लिए ये सिलेंड्रिकल एरिया है, तो अगर मैं सिलेंड्रिकल एरिया को अगर छोटा रखूंगा तो ये एरिया कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और अगर मैं स्लीव एरिया को अगर मैं बड़ा रख दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ गया इसका मतलब इसका मास भी चेंज हो सकता है ना। अगर इसका मास चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मैं स्लीव को चेंज कर सकता हूँ, स्लीव को चेंज कर सकता हूँ, स्प्रू गुश को भी चेंज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन स्पेसिफिकेशन। जैसा मशीन का स्पेसिफिकेशन रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, चलो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखो अब ये क्या हुआ, ये मैंने मशीन के बारे में कुछ चीजें आपको बताई, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, मेटल लेडल है, मेटल को इस तरह से पॉर करने का काम करता है, दिस इज द इंजेक्शन पिस्टन, ये पिस्टन है जो कि क्या करेगा, इसको धक्का देने का काम करेगा, दिस इज द चैम्बर और द स्लीव, ये स्लीव चैम्बर है जिसके अंदर मटेरियल क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, राइट। दिस इज द फिक्स्ड प्लेटन ऑफ द मोल्डिंग मशीन एंड द मूविंग प्लेटन, और ये क्या करेगा, मूव करने का काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो करता है, राइट, इंजेक्शन मोल्डिंग करेगी वैसे, ठीक है। दिस इज द कास्टिंग और द मोल्डिंग प्रोसेस, सी क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल मशीन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ये क्या बताई, कौन सी मशीन बताई, एचपीटीसी डाई मशीन बताई, लेकिन ये कोल्ड चैम्बर मशीन है। अगर मैं यहां पर अगर हॉट चैम्बर मशीन आपको बताऊं तो हॉट चैम्बर मशीन कुछ इस तरह से नजर आएगी, अब हॉट चैम्बर मशीन कुछ इस तरह से रहेगी, लाइक दिस, सी
ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा सेटअप लिया है और इस सेटअप के अंदर ऑलरेडी जो मटेरियल रहता है वो मेल्टिंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ इस तरह से गूजनेक टाइप में वो रहता है। ठीक है, बोल सकते हो कि एक सेटअप रहता है पूरा गूजनेक टाइप में, इस तरह से आपको एक पाइप जैसा नजर आ रहा है। ये क्या है भाई, ये भी वही पिस्टन है। ये पिस्टन क्या करेगा, इसके ऊपर इसके अंदर मूव करेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट इसके अंदर से मटेरियल क्या करेगा, मूव करेगा इनटू द डाई। ठीक है, तो ये हॉट चैम्बर मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हॉट चैम्बर है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोल्ड चैम्बर के बारे में, थोड़ा सा क्लियर हुआ। ठीक है, अब कोल्ड चैम्बर कैसी होती है, कुछ इस तरह से देखो जरा, सी क्लियर हुआ, कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, मेटल तो वही है। अब वहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया है, मतलब वहां पर ये इसकी जगह हम लोगों ने मैन्युअली कर, हाँ बिल्कुल, एक पूरा का पूरा एक सेटअप लगा दिया है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, मेटल जो है मेल्टिंग कंडीशन में रहता है। राइट, ठीक है, एक फर्नेंस बोल सकते हो। एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोल्ड चेम्बर की बात करूँ तो इसको मैन्युअली एक कोई भी व्यक्ति या आदमी कोई भी डालेगा, अपने हाथ से डालेगा, क्लियर है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क वाली चीज़ होती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि एक बार आपने एक सेटअप लगा दिया तो वहाँ पर वो जो लेबर कॉस्ट रहता है वो वाला, तो वो चला जाता है और वहाँ पर क्या प्रोडक्शन भी जल्दी जल्दी होता है। यहाँ पर अब ऐसे अगर मैं बात या एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मैनुअली तरीके से डालेगा तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर एक साइकिल टाइम फिक्स है कि भाई इतने टाइम में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, तो वो फिक्स है। राइट, तो प्रोडक्शन तेज होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा धीमा होगा, यह चीज, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब देखो मशीन सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं कि मशीन सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा इसका। देखो डाई क्लैंपिंग फोर्स निकालना है मुझे, तो डाई क्लैंपिंग फोर्स मतलब क्या होता है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द डाई, दिस इज द डाई। राइट, तो डाई क्लैंपिंग फोर्स मतलब अगर मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर मुझे क्लैंपिंग फोर्स लगाना है, क्लियर है, क्लैंपिंग फोर्स लगाना है, तो भाई क्लैंपिंग फोर्स कितना होना चाहिए इसका, जो ये अगर मैं इसके ऊपर क्लैंपिंग फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर जो मटेरियल को इंजेक्ट करूंगा तो वो क्या लगाएगा, वो एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। राइट और रॉन्ग, अपोजिट फोर्स लगाएगा, हाँ बिल्कुल, तो प्रेशर जो रहेगा, इंजेक्शन प्रेशर जो रहेगा वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो वो रहेगा ओपनिंग फोर्स। जो अपोजिट फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं ओपनिंग फोर्स या फिर सेपरेटिंग फोर्स। अब वो जो भी अपोजिट फोर्स रहेगा या फिर इंजेक्शन प्रेशर का जो फोर्स रहेगा वो अगर मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्लैंपिंग फोर्स होना चाहिए। मतलब बोल सकता हूँ कि भाई हमारा जो डाई क्लैंपिंग फोर्स है वो सेपरेटिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये जो सेपरेटिंग फोर्स है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ओपनिंग फोर्स को निकालने के लिए स्पेसिफिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रोजेक्टेड एरिया, क्लियर है ये। तो अब स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ द मशीन हमको देखना पड़ेगा इनटू द कैटलॉग। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि 600 से लेकर 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या ले लेता हूँ स्पेसिफिक प्रेशर, तो वी विल टेक द मैक्सिमम लिमिट कि मैंने 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर स्पेसिफिक प्रेशर ले लिया है, क्लियर है। तो भाई टोटल प्रोजेक्टेड एरिया जो रहेगा कास्टिंग का वो क्या रहेगा, कास्टिंग का प्रोजेक्टेड एरिया मतलब टोटल जो मेरे पास मटेरियल है इसका पूरा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया प्लस इसके अंदर मैं क्या करूंगा 40% ऐड करूंगा ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, 40% ऑफ द टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया ऐड करूंगा फॉर द रनर ओवरफ्लो एंड द बिस्किट। ये देखो रनर ओवरफ्लो एंड द बिस्किट, तो जो भी हमारा जो कंपोनेंट रहेगा उसका 40% से ये मान के चलो कि भाई 35% से लेकर 50% तक तो जो और एड एरिया रहता है वो किसका होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है एचपीडीसी में, ठीक
ठीक है। तो अगर टोटल कॉस्ट प्रोजेक्टेड एरिया मुझे निकालना है तो कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया प्लस 40% ऑफ टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया को ऐड करूंगा मैं, विच इज फॉर द रनर ओवरफ्लो एंड द बिस्किट, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्पेसिफिक प्रेशर से, राइट। तो जो भी मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, ओपनिंग और द सेपरेटिंग फोर्स, और ओपनिंग और सेपरेटिंग फोर्स को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन वी विल गेट द डाई क्लैंपिंग फोर्स, हमको डाई क्लैंपिंग फोर्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल एक छोटा सा कि मेरे पास कंपोनेंट का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो है 5400, ठीक है, 5400 mm², ठीक है। टोटल प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो हुआ कितना, 5400 प्लस 40% ऑफ 5400, क्लियर है। तो वो कितना होगा, 40% कितना हुआ, ये हुआ, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग एक एस्टिमेटेड निकालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा हमको पता है कि 35% या फिर 40% या फिर उतना ही होगा, तो वो तो एक रेंज में हो सकता है ना, राइट। तो यहाँ पर ये यह हुआ, और इसको मैं जब ऐड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिला 7640 mm², ठीक है। अब तो ओपनिंग फोर्स मैंने क्या बताया था कि भाई ओपनिंग फोर्स क्या बताया था कि इंजेक्शन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोजेक्टेड एरिया। तो मैंने यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई करा, मैंने 8 से मल्टीप्लाई क्यों करा, वाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं mm² में, और यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये स्पेसिफिक प्रेशर है, वो cm² में। तो kg पर mm² में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 8, राइट। तो यहाँ पर 7640 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मिला, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टन में वैल्यू मिलेगी। अभी किस्मत है kg में, है ना, 1000 kg मतलब 1 टन, राइट। तो 1000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला 61.1 टन, राइट। तो 61.1 टन मल्टीप्लाई बाय 1.2 यू विल गेट 73.344 टन। तो वी कैन सिलेक्ट 80 टन मशीन फॉर दिट, फॉर दिस स्पेसिफिक कंपोनेंट, जिसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो 5400 mm² है, ठीक है। तो 80 टन की मशीन हम लोग उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 80 टन की मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब 80 टन की मशीन जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग 80 टन की मशीन का स्पेसिफिक वो देखेंगे कि भाई 80 टन की मशीन जैसे मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो ये रहा 80 टन की मशीन, सी जो भी कैटलॉग हमारे पास रहेगा मशीन का, सी 80 टन की मशीन, क्लियर है। ये रहा क्लैंपिंग फोर्स इसका, लॉकिंग फोर्स, राइट, स्पेसिफिक स्पेस बिटवीन द टाई बार डिस्टेंस 330, क्लियर है, ठीक है। मोल्ड की जो हाइट हो सकती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, वो हो सकती है 400 mm, और मोल्ड की जो मिनिमम हाइट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 200 mm, क्लियर है। चलो और जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर शॉर्ट कैपेसिटी दिया हुआ है, सी शॉर्ट कैपेसिटी कितना है भाई, मैक्सिमम शॉर्ट कैपेसिटी 950 ग्राम। अब मान के चलो मेरे पास जो कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट जो है वो सिर्फ 250 ग्राम का है, कितने ग्राम का, 250 ग्राम का, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैं 40% और ऐड करता हूं तो 250 ग्राम प्लस 40%, 250 ग्राम का 40% कितना हुआ, मतलब 250 का 40 कितना, 100 ग्राम, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके अंदर 100 ग्राम अगर मैं और ऐड करूंगा तो 350 ग्राम, तो 350 ग्राम मटेरियल को फीड करने के लिए क्या मैं 950 ग्राम का शॉर्ट कैपेसिटी लूंगा, क्या ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिलेंड्रिकल जो एरिया है ना, जो हमारे पास जो पिस्टन एरिया है उसको हम लोग चेंज करेंगे, प्लंजर का डायमीटर हम लोग चेंज करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये बुश है, ये बुश है, तो ये जो बुश दिख रहा है ना आपको, ये मैं चेंज करूंगा, मतलब इसके अंदर प्लंजर है, तो ये प्लंजर का जब डायमीटर मैं चेंज करूंगा तो मेरा ये वाला एरिया चेंज होगा ना, और मैं अपने बुश को भी चेंज करूंगा, बुश के डिजाइन को चेंज करूंगा। तो अगर मैं 35 का डायमीटर लेता हूं, ये डायमीटर अगर मैं 35 का लेता हूं जिससे हमारा बिस्किट तैयार होता है, ठीक है, 35 का डायमीटर लेता हूं, तो मैं इसके अंदर मटेरियल कितना भर सकता हूं, 43 मतलब 430 ग्राम, क्योंकि ये केजी में, क्लियर है। 40 का डायमीटर लूंगा तो 560 ग्राम भर सकता हूं, 45 का लूंगा तो 710 भर सकता हूं,
50 का लूंगा तो 880 भर सकता हूँ, 55 का लूंगा तो 1 kg भर सकता हूँ। क्लियर है? तो हमारी शॉर्ट कैपेसिटी के हिसाब से या फिर हमारा जो मटेरियल है, जो मेटल है, जो हमारा कंपोनेंट है, जितना उसका वेट है उसके हिसाब से हम लोग प्लंजर के डायमीटर को चूज करेंगे उसी मशीन में। तो 80-10 की मशीन में हम लोग प्लंजर के अलग अलग डायमीटर को ले सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में भी जब हम लोगों ने प्लास्टिक के लिए देखा था तो वहां पर भी हम लोग चूज कर सकते हैं कि अगर भाई शॉर्ट कैपेसिटी, अगर मान के चलो 80-10 की मशीन है शॉर्ट कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से प्लंजर जो स्क्रू का डायमीटर है, स्क्रू के डायमीटर के हिसाब से उसका क्या चेंज हो सकता था, शॉर्ट कैपेसिटी चेंज हो सकता था। लेकिन वहां पर वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ऐसा है कि भाई वहां पर हमारे पास 3 तरह के स्क्रू अवेलेबल है। क्लियर है? उसमें से मशीन के अंदर कौन सा लगा हुआ है वो वाली चीज। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर प्लंजर के डायमीटर पर आप चेंज करोगे ना तो यू विल गेट द शॉर्ट कैपेसिटी अपने कंपोनेंट के लिए। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे 120 टन की मशीन है, 180 टन की मशीन है, 250 टन की मशीन है, राइट, तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां पर मिनिमम 120 और 80 के लिए भी 35 का प्लंजर डायमीटर चलता है। ठीक है, 180 और 250 के लिए देखो मिनिमम जो डायमीटर है वो 40 mm है। ठीक है, मैक्सिमम देखो 85 तक जाता है अब, क्योंकि बड़ी मशीन है, दैट्स व्हाई। अगर वॉल थिकनेस में कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, तो वहां पर कंपोनेंट के मास के ऊपर फर्क पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, अब 400 टन की मशीन में देखोगे तो 50, ठीक है, 50, और यहां पर ये देखो मैक्सिमम 110 प्लंजर डायमीटर। क्लियर है? दिस इज द जनरल स्पेसिफिकेशन फॉर द मशीन। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। चलो 1 मिनट। ठीक है, ये चीज हुआ। क्लियर? अब इसका क्या है, छोटा सा है, वो चीज देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। देखो इसका जो फील रेशो होता है, फील रेशो मतलब ये जो हमारा ये क्या है, स्क्रू है। स्क्रू से हमारा क्या जुड़ा रहेगा, यहां पर स्लीव जुड़ा रहेगा ना, स्लीव, मशीन का स्लीव। ये स्क्रू है तो ये स्क्रू वाला पोर्शन, ये मोल्ड का पार्ट है, इससे क्या जुड़ा रहेगा, हमारा स्लीव जुड़ा रहेगा। ये स्लीव जो रहेगा, इस स्लीव के हिसाब से ही ये वाला पोर्शन डिजाइन करेंगे हम लोग, ताकि इसके अंदर ये फिट हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं बात करता हूं मेटल की, तो मेटल जो रहता है वो 50% इसके अंदर रहता है, 50% इसके अंदर मेटल रहेगा, 50% इसके अंदर रिमेनिंग एयर रहेगी। मतलब इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई इसका जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो 430 ग्राम है, 430 ग्राम मतलब 430 ग्राम मतलब 430 ग्राम में इतना भर सकता हूं, मतलब मैं सिर्फ इसको आधा भरूंगा, आधा ही मैं इसको भरूंगा तो मेरा 430 ग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि पूरा इसको फुल भर दो, ऐसा कभी नहीं करना। क्यों ऐसा, इसका क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन? मतलब अगर ये प्लंजर है और यहां पर इसका ये होल है, ये होल है। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला कि इसको आपको कितना भरना है, ये जो आपका ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, इसको कितना हाफ भरना है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं कि हाफ भरना है, वाई? क्योंकि अगर इसके अंदर मैंने ये प्लंजर इसके ये लेके आया मैं, ठीक है, और अगर मैंने इसको धक्का दिया, मैंने इसको फुल भर दिया, मान लो फुल भर दिया, मैंने इसको धक्का दिया, और धक्का देने के बाद ये वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब मटेरियल भरना स्टार्ट होगा, और मटेरियल भरना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहां से निकल सकता है मटेरियल, फुल भर दूंगा तो निकल सकता है। लेकिन यहां पर जब मैं इसको हाफ भरूंगा तो यहां पर आते आते इसका लेवल बढ़ता जाएगा, यहां तक आते आते इसका लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां पर जब तक आएगा तब तक इसका लेवल पूरा फुल हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई इसको हाफ भरा जाता है। दैट्स व्हाई ये एक लॉ है, नियम है कि 50% फुल मेटल एंड 50% एयर रिमेनिंग। क्लियर है? अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, शॉर्ट वेट जो रहता है शुड बी, शॉर्ट वेट की अगर बात करूं तो जितना भी शॉर्ट कैपेसिटी रहता है ना, जैसे मान के चलो प्लंजर के जो हम लोगों ने जो पिस्टन का डायमीटर लिया वो 35 mm का लिया है। क्लियर है? तो अगर उसके हिसाब से वहां पर 430 ग्राम का मटेरियल है तो ये मान के चलो कि 430 ग्राम का 15% कितना हुआ भाई, मैंने बोला 50 ग्राम मान लो, ठीक है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम माइनस कर लो, तो 50 ग्राम माइनस कर दो 380 ग्राम, तो मान के चलो कि 380 ग्राम का मेटल ही आप उसके अंदर भर पाओगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट 430 ग्राम कभी नहीं डाल पाओगे। डाल पाओगे क्या?
क्योंकि अगर मान के चलो आपका जो लेडर है वो लेडर के अंदर आपका 430 ग्राम पूरा फुल आता है, ठीक है, तो 430 ग्राम भर पाओगे क्या कि उसके अंदर पूरा का पूरा डाल दोगे? नहीं डाल पाओगे, वो कभी आधा कप भराएगा, कभी थोड़ा ज्यादा भराएगा, कभी कुछ ऐसा होगा, राइट। तो मान के चलो कि 15% हमेशा वो कम होना होगा, ठीक है। तो मतलब आप 380 ग्राम को भर सकते हो, मतलब हमारा जो आ रहा था वो 350 ग्राम आ रहा था, 350 ग्राम के मेटल को आसानी से उसके अंदर भर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कास्टिंग वेट, रनर एंड द ओवरफ्लो वेट एंड द बिस्किट वेट, ठीक है। और बिस्किट वेट के लिए हम लोग कितना लेते हैं थिकनेस? 10 mm, 10 mm मिनिमम थिकनेस फॉर द बिस्किट। अगर मटेरियल ज्यादा बचता है तो 10 mm से 15 mm भी हो जाता है, मटेरियल ज्यादा बचेगा तो 18 mm भी हो जाएगा, है ना, जितना मटेरियल बचेगा डिपेंडिंग अपॉन दैट, क्लियर है। बिस्किट किसके कारण से बनता है भाई? वो ये जो पीछे जो हमारा जो पिस्टन होता है ना, वो पिस्टन जो मटेरियल को यहाँ पर छोड़ देगा, बचा देगा, तो उसके कारण बिस्किट क्रिएट होता है ना, जो कि वो प्लंजर के ही शेप का होता है, क्लियर। ठीक है, ओवरफ्लो वॉल्यूम। अब ओवरफ्लो वॉल्यूम क्या होता है? ओवरफ्लो वॉल्यूम जो होता है उसका वेट होता है हमेशा मतलब 10% ऑफ टोटल कास्टिंग होता है, मतलब अगर मेरे पास ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसके अंदर मैं ओवरफ्लो दे रहा हूँ, ये रहा ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो जो रहेगा ना, ये टोटल कास्टिंग का 10% के आसपास रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा थंब रूल बोल लो, मिनिमम वॉल थिकनेस अगर किसी HPDC कंपोनेंट के अंदर होती है तो वो हम लोग कितनी देते हैं? 4 mm तक देते हैं। लेकिन बेसिकली जैसे क्या होता है कि अभी मटेरियल जो है थोड़ा सा कंपोजिट मटेरियल या फिर उसके अंदर कुछ R&D वगैरह होता है ना, तो उसके हम लोग थोड़ी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या फिर कोई भी चीज़ उसके अंदर रिब और गसेट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़, तो हम ओवर द ईयर इट डिक्रीज द 2 mm। वॉल थिकनेस जो कंपोनेंट की हुई है वो 2 mm तक डिक्रीज हो गई। इवन रिसेंटली मैंने 1 mm तक के भी कंपोनेंट की वॉल थिकनेस देखी है, कि 1 mm की वॉल थिकनेस भी हम लोगों ने कहीं कहीं पर दी है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं चलती, वो छोटे पार्ट में अगर आपको दे सकते हो तो दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे पार्ट में आप दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो HPDC के कंपोनेंट में वॉल थिकनेस जो होती है वो 4 mm के आसपास होती है, लेकिन 2 mm 2.5 mm के आसपास भी आपको दिख जाएगी है वॉल थिकनेस, क्लियर, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पूरा जो गेट का, जो गेट का और गेट वाला रनर वाला जो एरिया रहता है वो पूरा का पूरा रिसाइकल हो जाता है, वो तो मेटल होता है, वो पूरा का पूरा रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये गेट का थिकनेस। अब गेट के थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो गेट का थिकनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे कंपोनेंट का जो थिकनेस है फॉर एग्जाम्पल 3 mm है ना, और 3 mm को 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे गेट का क्या मिल जाएगा? थिकनेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गेट के थिकनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं गेट के यहाँ पर विड्थ वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं थिकनेस मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ, क्लियर। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये कंपोनेंट है, देखना जरा, मैं इस कंपोनेंट को मिनिमम चार इतने एरिया से भरूँ, इतने एरिया से अगर मैं इस कंपोनेंट को भरता हूँ, ठीक है, तो कंपोनेंट भर जाएगा पूरा, राइट, भर जाएगा। चलो अगर मैं इस कंपोनेंट को अगर इतने एरिया से भरूँ पूरे से, तो क्या फर्क पड़ेगा? मटेरियल तो भी भरेगा, क्योंकि मटेरियल नीचे से जा रहा है ना, मटेरियल तो फिर भी भरेगा, क्लियर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो डिगेटिंग पॉइंट है ना, डिगेटिंग पॉइंट कम से कम दें हम, है ना। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई लंबा सा कंपोनेंट है, बड़ा सा कंपोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 4 mm की विड्थ देते हैं, 4 mm की विड्थ। और मैंने बोला कि एक सेंटर में मैंने विड्थ दे दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर मैंने विड्थ दे दिया लाइक दिस, और एक यहाँ विड्थ दे दिया, तो इससे क्या होगा कि कंपोनेंट से जो रनर का डिगेटिंग होगा ना वो आसान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, इससे डिगेटिंग आसान हो जाएगा और इसके ऊपर मार्क नहीं बनेंगे, इसके ऊपर मार्क क्रिएट नहीं होंगे, क्लियर है, दैट्स वाई। तो इस तरह जब भी आपने HPDC किसी कंपोनेंट को देखोगे ना, तो उसके अंदर रनर आपको कुछ इस तरह से नजर आते हैं, मतलब इधर उधर थोड़ा से घूम के जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। और फिर इधर ओवरफ्लो हुआ, फॉर एग्जाम्पल इधर ओवरफ्लो हुआ, यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ, यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ, कभी देखना आप, है ना, HPDC का कंपोनेंट तो इस तरह से नजर आते हैं, ठीक है। अब ओवरफ्लो की बात करोगे तो ओवरफ्लो का जो
पूरा बात करता हूँ कि भाई हमारे मेरे पास मान के चलो मेरे एक ओवरफ्लो की बात करता हूँ, कंप्लीट एक ओवरफ्लो, तो ये होगा वॉल थिकनेस का 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो होगा डेप्थ। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये ओवरफ्लो है, इसका अगर मैं सेक्शन व्यू काटता हूँ तो इसका मुझे क्या मिलेगा, डेप्थ मिलेगा लाइक दिस, है ना, ये डेप्थ है, क्लियर है। तो 3 into वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस 3 into वॉल थिकनेस कितना हुआ, 9 mm, मैंने बोला 3 mm वॉल थिकनेस है। विथ ऑफ द ओवरफ्लो 2 into डेप्थ ऑफ द ओवरफ्लो, तो ये विथ तो ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितना हुआ 18। अब लेंथ ऑफ द ओवरफ्लो 2 into विथ ऑफ द ओवरफ्लो, मतलब कितना हुआ 36, राइट। हाँ, तो एक अगर मेरे पास कंपोनेंट राउंड में है या फिर इस तरह से कुछ राउंड, मतलब इस तरह से कंपोनेंट है कि मुझे ओवरफ्लो 2-3 जगह देनी पड़ेगी, है ना, जहां पर वॉल थिकनेस ज्यादा रहेगी वहां पर मुझे वॉल वो देनी पड़ेगी, है ना, ओवरफ्लो देना पड़ेगा, उसके साथ में थोड़ा सा अपना गेट वो भी दे सकता हूँ, एयर वेंट वगैरह भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्लियर है। तो भाई अगर मुझे देना पड़ेगा तो इसका मतलब मैं ये जो एक ओवरफ्लो का मैंने डिजाइन किया है, तो इस एक ओवरफ्लो को एक में एक ही जगह नहीं बनाने वाला, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 कर लूंगा। तो छोटे छोटे ओवरफ्लो में एक यहां बनाऊंगा, एक यहां पर बनाऊंगा, एक यहां बनाऊंगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर लूंगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये 36 हो गया, तो 36 को डिवाइड बाय 3 करो तो कितना हुआ 12। तो यहां पर ये होगा 12/18 और 9, मतलब 12/18 और डेप्थ जो रहेगा वो 9 रहेगा, तो इस तरह से रहेगा 1, 2 और 3, इस तरह से 3 ओवरफ्लो हमारे पास बन जाएंगे जो अलग अलग पोजीशन पे हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर हुआ ये। ठीक है, ये जो यहां पर मैंने गेट का थिकनेस निकाला है, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, और विड्थ जो रहेगा, विड्थ मिनिमम 4 mm ले सकते हो, 4 mm के अलावा आप जितना हो, मतलब 5 mm 6 mm जितना ले सकते हो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा लेने से मतलब नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मिनिमम जो विड्थ लोगे ना आप 4 mm लोगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा लेने से मतलब नहीं, लेने को तो यहां से लेकर यहां तक पूरा ले सकते हो और भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों को डिगेटिंग के लिए जो पॉइंट देना है ना वो हमको कम से कम देना है, क्योंकि ये जो ओवरफ्लो और रनर वाला जो पोर्शन है ना, इसको हमको बाद में ना ट्रिमिंग टूल से काटना पड़ता है, ट्रिमिंग टूल लगाना पड़ता है, ट्रिमिंग टूल से इसको एजेस को काटना पड़ेगा फिर, ताकि ये कंपोनेंट फिर से शार्प हो सके। हाँ, तो अगर बिल्कुल, तो ज्यादा अगर मैं इसके अंदर अगर गेट पॉइंट दूंगा या फिर मैं इसको इसकी विड्थ को अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा, है ना, इसकी लेंथ को विड्थ को ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो वो क्या होगा, जो वो ज्यादा वहां पर मार्क क्रिएट होंगे, है ना, तो हम लोग नहीं चाहते कि वो वहां पर मार्क क्रिएट हो, ठीक है, कंपोनेंट की क्वालिटी बनी रहे, दैट्स व्हाई, ठीक है। और जो ओवरफ्लो अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं तो ओवरफ्लो के भी तो मार्क वहां पर मार्क्स आएंगे, जिस तरह से गेट मार्क्स आएगा उसी तरह से यहां पर भी आएगा, है ना, वैसा, ठीक है। और ये किसके लिए है डायमेंशन, ये है फॉर द ओवरफ्लो, कि भाई ओवरफ्लो के अगर आपको डायमेंशन निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल है, क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब मेरे पास क्या एक कंपोनेंट है, मैंने बोला कि भाई ये देखो, ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखा है, ठीक है, मॉडिफाई इसलिए करके रखा है क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये एक आपने देखा होगा बाइक की टंकी, बाइक की टंकी के ऊपर इस तरह से एक ढक्कन लगा रहता है, मतलब जिसको आप हटाओगे तो उसके अंदर पेट्रोल भर सकते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो लगा रहता है ना पूरा पोर्शन, वो ये रहता है, ये ऐसा, तो वो यही पार्ट है, यही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से क्या होता है कि ये इस तरह से होता है कंपोनेंट लाइक दिस, और इसके बीच में इस तरह से एक स्लॉट लगा होता है, इससे क्या होता है ये लॉक हो जाता है, ये तो ये मैंने हटा दिया है, यहाँ से ये मैंने इसलिए हटा दिया है क्योंकि बेसिकली इस लाइटर वाला पार्ट था और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि इसको मॉडिफाई करना था मेरे को, क्योंकि वो कॉपीराइट इशू रहेगा, दैट्स व्हाई, किसी कंपनी का पार्ट है, राइट, तो किसी कंपनी के लिए मैंने क्रिएट करा था बहुत पहले, है ना। तो ये जो है, अब इस कंपोनेंट के लिए मेरे को क्या बनाना है, मुझे एक HPTC डाई क्रिएट करनी है, वो भी सिंगल कैविटी,
ठीक है। अब हमेशा एक याद रखना कि अगर मैं HPDC से डाई क्रिएट कर रहा हूँ तो भाई ये अगर मेरे पास डाई है तो मैं इसका जो मोल्ड बेस जो रहेगा वो C45 मटेरियल का ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो कोर और कैविटी रहेगा सेंटर में वो किस कौन से मटेरियल का रहेगा? H11 और H13 या फिर H13, मतलब दोनों में से कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल होगा, क्लियर। चलो ये हुआ, ठीक है ना। अब इसका क्या है, ये अगर मैं इस तरह से इसको देखूं जरा, ये देखो इसका मैंने लेंथ और विड्थ ले लिया है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया के हिसाब से हम लोगों ने सभी चीजें डिसाइड कर लेंगे पहले से, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था ना बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया इसका कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कितना टनेज की मशीन रिक्वायर्ड है फॉर दिस, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ना, इसके अंदर ये मोल्ड है, तो ये रहा मोल्डिंग मशीन HPDC की, ठीक है। अब HPDC की मोल्डिंग मशीन ये है, तो इसका क्या सेंटर में होता है क्या इंजेक्शन पॉइंट? सेंटर में नहीं होता, मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होता है ना। तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये है इसका प्लंजर यहां पर इस पोजीशन पे, मतलब ये वाला जो पोजीशन है मुझे पता रहेगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो किसमें रहेगा? मशीन कैटलॉग में आपको पता चलेगा कि भाई यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है 150 mm के आसपास है, तो ये सेंटर आपको पता चल जाएगा। और इसी सेंटर पे आप अपना क्या बनाओगे, स्क्रू को क्रिएट करोगे, और इसी सेंटर से आपका क्या चालू होगा, ये आपका रनर वाला पोर्शन चालू होगा कि भाई यहाँ पर आपने रनर दिया लाइक दिस, इस तरह से दिया, ये गेट दिया 3 पॉइंट, और यहाँ पर आपने अपना क्या दिया, एक ओवर फ्लो दिया, क्लियर हो? क्या चीज? हाँ, वो कस्टमर देगा, वो कस्टमर आपको मशीन का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो अब मैंने बोला भाई कंपोनेंट को मैं उस पोजीशन पे लेके जाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए इस पोजीशन पे लेके गया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको भाई एक्सट्रूड कर दिया एंड क्रिएट द कोर एंड कैविटी फॉर द कंपोनेंट, यहाँ पर मैंने कोर एंड कैविटी इसके लिए क्रिएट करा, ठीक है। अब सिंपल सा कोर एंड कैविटी बनाए थे भाई इसके लिए, ठीक है। इसको मैं यूनाइट कर देता हूँ, मिनट सी, देखो दिस इज नथिंग बट दिस इज द ठीक है, ये कोर वाला पोर्शन हो गया इसके लिए, ठीक है। ये कैविटी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो आपको मार्क दिख रहे हैं ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये किस लिए दिया है मैंने यहां पर, इस कंपोनेंट के अंदर बात करूं तो सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ पर्पस के लिए, लेकिन ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है ये देने की क्या आवश्यकता थी? इजेक्टर पोजीशन, राइट, मतलब कंपोनेंट जो इजेक्ट होगा वो यहां से होगा, मतलब दिस इज द डायमीटर फॉर द इजेक्टर पिन, मतलब जब कंपोनेंट को डिजाइन किया गया है तो कंपोनेंट को डिजाइन करते समय पहले से ही ये चीज डिसाइड कर ली गई है कि हमारा जो इजेक्शन होगा वो 4 पॉइंट से होगा, 1, 2, 3 और 4, जिसके कारण से इसके कंपोनेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं आएगा। आया समझ में? ठीक है, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कभी अगर कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे हो, है ना, कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो तो मोल्डिंग के एस्पेक्ट से करना चाहिए कि भाई वहां पर जो भी पॉसिबल चीज हो सके कि उसके ऊपर मार्क प्रोड्यूस ना हो या फिर कोई चीज ना हो, तो वैसा, क्योंकि अगर मान के चलो इसकी अगर वॉल थिकनेस पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्लियर है। चलो तो इसका कोर और कैविटी हम लोग क्रिएट करेंगे, 1 मिनट। चलो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका कोर और कैविटी क्रिएट करेंगे, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर ब्लॉक और कैविटी ब्लॉक, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ इस तरह से इसको क्रिएट करता हूँ। देखो इसके अंदर से क्या है, हम लोगों ने ये कुछ इंटरलॉक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ये देखो, ठीक है, ये छोटा ब्लॉक रहेगा, ठीक है। इस ब्लॉक को हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं लाइक दिस, सी, क्लियर है। इसी तरह से
जो कैविटी वाला पोर्शन रहेगा इसके अंदर भी इसी तरह से हम लोग ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने कोर के अंदर ब्लॉक को क्रिएट करा है लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन हुआ, ये पोजीशन किसके लिए हुआ? फॉर द स्प्रू, है ना, मतलब हाँ स्प्रू, स्प्रू वाला पोर्शन हुआ जिससे हमारा स्लीव जुड़ा रहेगा, जिससे हमारा स्लीव क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं इसके साथ कट कर देता हूँ, कंट्रोल एच करके सी, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहां पर हमारा क्या आएगा इस तरह से, ये वाला जो, इसको बोलेंगे डिफ्यूजर, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजर, ठीक है। ये डिफ्यूजर क्या करेगा, इस बिस्किट को डिफ्यूज करने का काम करेगा, और ये थोड़ा सा इस तरह से आगे मूव कर आगे जाएगा, इस तरह से रहेगा लाइक दिस, ये इस तरह से रहेगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये एक ही पोर्शन है, देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एक पोर्शन है, और ये क्या करने का काम कर रहा है, इसको लॉक करने का काम कर रहा है, क्लियर है। और ये कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से होगा, यहाँ से कुछ इस तरह से होगा। अब मेरा ये जो रहेगा, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द पिस्टन, मान के चलो मेरा ये पिस्टन है पीछे से, ठीक है। अब मेरा बिस्किट बनेगा, जो ये बिस्किट ये रहा, देखो ये बिस्किट बन गया मेरा, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से रनर जाएगा, इस तरह से रनर क्रिएट ये होगा, इस तरह से रनर ये रहा लाइक दिस, क्लियर है। और ये हो गया बिस्किट, तो ये हो गया डिफ्यूजर, और ये हो गया स्प्रू, क्लियर है, देखो है ना। हाँ बिल्कुल, एक ही शेप लेगा, एक ही साइड पे रहेगा, देखो अभी, ठीक है। इसका मैंने डायमीटर निकाल लिया है, ये डायमीटर है, ठीक है, जो भी प्लंजर का डायमीटर हम लोग निकालते हैं, राइट। चलो यहाँ से अभी मैं इसको जरा सा हटाता हूँ, अनवांटेड चीज है कुछ, ठीक है, चलो वन मिनट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। देखो यहां पर ये रहा पोर्शन, ये रहा, ये देखो, क्लियर है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, देखो ये वाला एरिया है, ये रहा, ये क्या है हमारा कैविटी वाला पोर्शन, कैविटी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर, दिस इज द कोर, ये वाला हम पोर्शन क्या हुआ हमारा, व्हाट इज दिस, सी, ठीक है। यहां पर हमारा जो एक और चीज था, यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि भाई जब मैं गेट को डिसाइड करूंगा तो गेट मेरा क्या निकलता है, 3x3, तो 3x3 निकलेगा, मतलब मेरा 1 mm का डेप्थ निकला। तो यहां पर अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट के और रनर के बीच में क्या होता है, एक रेशो होता है जो कि 1:8 का रेशो होता है, ठीक है। तो वहां पर जो 8 होता है वो रनर क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होगा कि मेरा रनर, अगर मेरा रनर ये ऐसा है तो इसका अगर मैं इस तरह से सेक्शन व्यू काटूंगा तो मेरा जो लेंथ और इसका जो विड्थ होगा, जो थिकनेस होगा, वो क्या रहेगा, वो 8 रहेगा, 8 के रेशियो में रहेगा, क्लियर हुआ। ठीक है, सिंपल वैसे ही, हाँ हाँ नहीं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो आपका जो गेट है वो 1 mm का है, 1 mm का है, क्लियर है। तो आपका जो रनर रहेगा वो 8 mm का रहेगा, ठीक है। अब 8 mm का रहेगा मतलब जो रनर है ना, तो रनर कैसा रहेगा कि रनर इस तरह से रहेगा जिसके अंदर ऐसा ड्राफ्ट रहेगा, एक ऐसा ड्राफ्ट रहेगा, राइट लाइक दिस, है ना, ऐसा ड्राफ्ट रहेगा। तो ये जो थिकनेस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थिकनेस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो थिकनेस है ये कितना है, 8 mm, बोथ ये 8 mm ऐसा, ठीक है, ये हुआ। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को इस तरह से मैंने लॉक कर लिया, देखना अब जरा ये एक दूसरे के अंदर लॉक हो चुके हैं, देखो जरा, है ना, ये एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाएगा, ये देखो। तो दिस इज नथिंग बट डिफ्यूजर, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्प्रू बुश, और यहां पर जाके हमारा जो स्लीव है वो क्या करेगा, यहां पर जाके लॉक हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये जो डायमीटर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे,
है ना, ये डायमीटर और ये डायमीटर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। आया समझ में? ठीक है ठीक है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है देखो, ये चीज हुई, ये चीज हुई। अब हम लोगों ने क्या करा है यहां पर, अच्छा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये रिलीफ वॉल है। ठीक है, जब हम लोग इंसर्ट को आसानी से इसके अंदर डालते हैं, दैट्स व्हाई, ये देखो इसके अंदर रिलीफ वॉल इस आसानी से इंसर्ट इसके अंदर चला जाए, ये देखो। ठीक है, और जो पोर्शन हम लोग नहीं बना सकते हैं, जो मतलब पॉसिबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हम लोग इंसर्ट क्रिएट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंसर्ट, ये जो है ये इंसर्ट है। इवन ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए भी सी टाइप का इंसर्ट क्रिएट होगा, ये वाला पोर्शन का। ठीक है, ओवरफ्लो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक क्रिएट करा है ना, छोटा कंपोनेंट है, तो ओवरफ्लो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक क्रिएट करा है, सिर्फ ओनली वन ओवरफ्लो। ठीक है, तो दिस इज द कोरोनरी कैविटी, और बाकी जो पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा इसका, जैसा हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग में सभी चीजें हम लोग डिजाइन करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। देखो इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर ब्रेक प्लेट, है ना, जो भी चीजें रहेंगी वो सब वैसी ही रहेगी। देखो रिटर्न प्लेट, हमारा जो प्लेट है वो रहती है, इजेक्टर पिंस, ठीक है, बाकी सभी चीजें उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, और कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, मतलब एक बार इस कंपोनेंट को मैं आपको शेयर, है आपके पास कंपोनेंट ड्राइव में, तो इसके लिए एक बार ट्राई करके देखना, आपको चीजें समझ में आएगी किस तरह से इसकी डाई बदले। बट डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, तो आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताया है, जो चीजें बताई हैं, वो इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जब आप डिजाइन करोगे तो डाउट राइज होंगे, और मेन चीज जो डाउट राइज क्या होंगे, वो होगा मेटल से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी डिजाइन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ मेटल से, मटेरियल से रिलेटेड जो रहेंगे ना, वो डाउट जरूर राइज होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेटल हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम। अब अगर मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम, जिसको बोलते हैं एडीसी 12 मतलब क्या हुआ, एडीसी मतलब एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, एडीसी 12 इज द ग्रेड। अब 12 इज द डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, कि भाई अलग अलग मटेरियल को मिला के एडीसी 12 को बनाया गया है। ठीक है, दैट्स व्हाई उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस। एडीसी 12 जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है अधिकतर, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम, तो अब एल्यूमिनियम की अगर मैं डेंसिटी पूछूं, तो व्हाट इज द डेंसिटी फॉर द एल्यूमिनियम, टेल मी, 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 2.70, तो एल्यूमिनियम की 2.70 है, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी डेंसिटी को पुट अप करता हूँ, तो इसका जो मास रहेगा वो मुझे कम मिलेगा, है ना। हम मतलब ये जैसे देख लो ना, मतलब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की डेंसिटी कितनी होती है, 0.901 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, राइट। ठीक है, उसी तरह से एल्यूमिनियम की जो होती है वो 2.70 होती है, और इसी तरह से एमएस की जो होती है वो कितनी होती है, 7.85 होती है। तो अगर मैं बोलूं भाई प्लास्टिक मटेरियल, तो प्लास्टिक मटेरियल एल्यूमिनियम से हल्का होता है, हाँ, और एल्यूमिनियम जो होता है वो एमएस से हल्का होता है, लोहे से हल्का होता है कि नहीं। तो भाई जैसी उसकी डेंसिटी होगी वैसा उसका मास होगा, है कि नहीं। तो वो चीज है, तो यहां पर मेन जो चीज है ना वो मटेरियल से रिलेटेड है, यहाँ पर मटेरियल से रिलेटेड। बाकी डिजाइन के उसमें आपको कोई डाउट क्लियर डाउट नहीं होंगे, आपको डिजाइन तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मटेरियल का मेन वो है, राइट। इतना समझ में आया, चलिए एचपीडीसी वाला कुछ पोर्शन समझ में आया। इसके अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन द कटर, आपके पास अगर मान के चलो, अगर जैसे मान के चलो आपके पास 6 mm का 4 mm का कटर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप 4 mm का कट डाल दो तो कोई दिक्कत है। यहाँ पर मैं ये तो चलो बड़ी बात है, मैंने यहाँ पर ये इस तरह से बड़ा कटर डाल दो, बड़ा ऐसा होल बना दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मुझे ये फेस और ये फेस आपस में बट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज ये। यहाँ पर बड़ा कट भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कई उसमें डाला भी जाता है कई डाई में।
हाँ एग्जैक्टली मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे ये वाला है, जैसे मैं ये इंसर्ट की बात करता हूँ, तो इंसर्ट में जब मैं मशीनिंग करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, कॉर्नर एज बनेगा, कॉर्नर बनेगा राइट। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मशीनिंग करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर मशीनिंग करूंगा तो ये मेरा क्या कॉर्नर बनेगा क्या, यहाँ पर ये मेरा रेडियस बनेगा ना, यहाँ पर ये रेडियस बनेगा, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि ये फेस से मैच हो राइट। तो इस कारण से मतलब कोई भी मशीनिंग अगर आपको मेटिंग पार्ट अगर आपको देना है ना मेटल में, तो आपको इस तरह से आपको कट देने ही पड़ेंगे है ना। अभी एक एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो आपका स्प्रू बुश है ना, तो ये जैसे स्प्रू बुश है, तो ये स्प्रू बुश को जब आप किसी मेटल के ऊपर उसके मेटिंग पार्ट पर डालोगे, तो ये वाला जो एरिया रहता है ये यहाँ पर कभी कभी रेडियस छूट जाता है थोड़ा सा। अगर रेडियस इसके ऊपर छूट जाएगा तो ये क्या इसके मेटिंग पार्ट से टच होगा क्या बिल्कुल एकदम सही तरीके से, नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां इस तरह से एक कट डाल देते हैं लाइक दिस। हाँ तो वो इसलिए होता था कि इससे ये वाला फेस और ये एकदम बट हो जाए, दैट्स राइट। हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से थोड़ा सा जरूरी है राइट। चलो इतना समझ में आया। हाँ मैं बेसिकली कल के दिन ये करने वाला था कंप्लीट, लेकिन कल के दिन स्ट्रेंथ वगैरह स्टूडेंट की थी नहीं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं